बहुत मेहनत किया यार यहाँ तक पहुँचने के लिए, बहुत ही ज्यादा मेहनत। सोना ने हिंडोड़े द्वाड़ का मलिवा बड़े, घोड़ा गाड़ी रिक्शा बेसी आया द्वारका, द्वारका तो दूर से तो दर्शन नहीं जरूर से। बैक टू माई चैनल गाइस, मिस्टर गो के चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मिस्टर गो यानी मैं उदित राणा। तो जितने लोग आप नए मेरे चैनल को देख रहे हो, अभी जाके प्लीज चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दो ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचे। और जितने लोग मुझसे पहले से कनेक्टेड है, बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो। तो अभी हम जाने वाले हैं द्वारका बीच में, तो बाकी ज्यादा कुछ नहीं खाऊंगा, सीधे ले चलते द्वारका के गुजरात के ब्लॉग में। तो दोस्तों, द्वारका की पहली सुबह हम निकल रहे, सबसे पहले तो समंदर के किनारे पे, तो वहां पर थोड़ी देर जाना है, तो उस चीज को पहली बार फील करना है हमने। मैंने मतलब इसने तो पहले भी देख रखा है, लेकिन मैं पहली बार फील करूंगा, क्योंकि आज तक कभी ऐसे समुद्र के तट को देखने को ही नहीं मिला मुझे। तो देखते हैं, बाकी वहीं जाके दिखाऊंगा व्यू वगैरह। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा हल्ला वगैरह होगा, तो वॉइस भी अच्छी तरीके से नहीं आएगा, तो वहीं जाके दिखाऊंगा आपको पूरा और प्योर। तब तक तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा हम मंडी आ चुके हैं, मंडी के बीच में, तो यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है बहुत। तो यहाँ पर दिन पे ही सब्जी मंडी लगती है हमारे देहरादून, जब देहरादून में थे तो शाम को लगती थी, तो यहाँ पर दिन पे लगती है। तो ये चौक है बीच में, तो हम जाएंगे इस तरफ सीधे। तो बाकी चलिए दिखाते, थोड़े थोड़े नज़ारे दिखाते हुए आपको भी। तो दोस्तों, हम यहाँ समुद्र के किनारे पे तो पहुँच चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक नदी है, पता नहीं शायद गोमती नदी है शायद ये, तो ये समुद्र पे जाके मिल रही है। तो शाम को घट जाती है, लेकिन अभी समझ में नहीं आ रहा उस तरफ जाना कैसे है। थोड़ा सा यहाँ से दिखाता हूँ आपको ना, ये देखो ये पूरा समंदर है, ये पूरा समंदर है और ये नदी है। मैं तो जा सकता हूँ यहाँ से, लेकिन इसको तैरना नहीं आता, पर गलती से भी फिसल गया तो ये सीधे समंदर के अंदर जाएगा, तो मैं तो रिस्क नहीं ले सकता। तो ये कह रहा कि रस्सी से है, लेकिन वहाँ से रस्सी थोड़ा ऊँचा है, तो ये जा नहीं पाएगा, मुझे पर कन्फर्म पता है वहाँ से नहीं हो पाएगा करके ना। तो अभी देखते हैं, यहाँ पर पूछते हैं कि क्या है क्या नहीं है, कैसे जाना है उधर। तो ये है पूरा तट का, समुद्री तट का किनारा, ये देखो वाव। कल थोड़ी देर के लिए हम यहाँ पर आए थे, लेकिन पूरा लेवल घट रखा था, अभी पूरा बढ़ रहा है, बाप रे। लेकिन व्यू काफी अच्छा लग रहा है, तो यहीं से ही वेव्स आने लग रहे, देखो। तो रिस्क नहीं ले सकते हम नदी पार करने का, तो हम रिस्क नहीं लेंगे, हम कोई और चारा ढूंढेंगे, जरिया ढूंढेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर उड़ भी है, यहाँ का लोकल बिजनेस, तो ये बैठ रखा है अभी, जब खड़ा होता है भाई बहुत ऊंचा लग रहा है, बहुत ऊंचा। एक तो वैसे ही मेरी हाइट छोटी है, तो मैं ऐसे देख रहा था, ये उठा और ये उठा, ये उठा भाई साहब, ये देखो कितना लंबा है साला। तो ये यहाँ का लोकल बिजनेस है, तो ये ऊँट से पार करवाते हैं यात्रियों को उधर बीच की तरफ जाने के लिए। तो हम तो ये कंफ्यूजन में, जाना तो जाना कैसे है भाई। तो दोस्तों, हम यहाँ नदी के दूसरी छोर पे आ रखे, जहाँ पर बोट वगैरह थे, तो यहाँ पर पूछते हैं, क्योंकि हमें जाना है उस तरफ, क्योंकि उसके उधर बीच है, तो वहीं पर हम जाने वाले हैं। तो देखते हैं, पता नहीं है कितना पैसा लेगा क्या लेगा, हमें ये तो पता नहीं है, लेकिन पार करने का कितना लेगा वो हम पता करते हैं तब तक। तो फाइनली गाइस, ये एक ऊँट खड़ा है, तो थोड़ा पास से दिखाता हूँ, ये लात ना मारते, लात तो नहीं मारेगा ना, दिखा सकता हूँ। तो ये है,
इसका पैर देखो कितना बड़ा है। तो हमें पार करना था उस साइड, तो अंकल ने बोला कि वहां से ले जाऊंगा 500 रुपए। तो मैंने कहा कान पकड़ लिया, 500 में खाना खा लेंगे आराम से, 3 बजे के बाद आराम से पैदल चले जाएंगे। लेकिन इनका भी मतलब यहाँ का बिजनेस हुआ है ना, तो करना ही पड़ता है, पापी पेट का सवाल है। बाकी यार तब तक मिलते हैं आपसे वहीं पर। तो दोस्तों हम जा रहे हैं अब पार, क्योंकि नदी का पानी घट चुका है, क्योंकि अभी लो टाइड है तो वापस जा रहा है, तो हाई टाइड में ये ऊपर आता है। तो अभी हम जा रहे हैं लखन के पास। तो यहाँ पर लखन है तो हम बात करते हैं, तो लखन हमें पार करवाएगा। हाँ, तो लखन के ऊपर बैठेगा लखन पार। तो ये हमारा लखन यहाँ पर बैठा हुआ है तो अभी देखते रहो, अभी हम उस पार जाएंगे। तो दोस्तों अब हम हमारे लखन के ऊपर बैठने के लिए रेडी है। तो पीछे ये दूसरा ऊंट भी है, तो ये अभी अभिजीत बैठेगा पहले ऊपर। ऊपरी ना ऊपरी ऊपरी अबे गिराएगा। तो अभी मैं भी चढ़ने वाला हूँ। तो भाई ये भी चढ़ने वाला है, तो देख लीजिए कैसे चढ़ूं। मैं तो हिम्मत भी नहीं हो रहा है। बैठ गया तो हम बैठ चुके लखन के ऊपर। अभी ये चढ़ेगा, अभी अंकल भी बैठेंगे। तो हम बैठ चुके लखन के ऊपर, जाएंगे उस पार। उस पार सोना ने हिंडोड़े द्वार का मदीवा बड़े, घोड़ा गाड़ी रिक्शा बेसी आया द्वारका, द्वारका तो दूर से तो दर्शन नहीं जरूर से, सोना ने हिंडोड़े द्वारका मदीवा बड़े, घोड़ा गाड़ी रिक्शा बेसी आया द्वारका, द्वारका तो दूर से तो दर्शन नहीं जरूर से। तो लखन हमें, लखन ने हमें पहुंचा दिया दूसरी तरफ, अपना भाई आराम आराम से जा रहा है, तो हम पहुंचने वाले हैं दूसरी तरफ। धीरे धीरे जा रहा है, तो अभी वहां करके तभी आपसे मिलेंगे। पांडव का कुएं पे लखन जा रहा है, ये 5 पांडव का कुआ है जरी से नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, आराम से आ जा। अरे हाँ अभी पहुंच गए थे। तो दोस्तों लखन ने हमें उतार दिया है, थैंक यू मेरे भाई लखन। तो अब हम जाएंगे उस तरफ, तो हमारे भाई साहब के है, अंकल को दे दीजिए। काफी अच्छा लगा फर्स्ट एक्सपीरियंस लखन के साथ। तो दोस्तों हम समुद्र के किनारे पे पहुंचने वाले हैं, तो मैंने इसलिए जूते नहीं खोले थे क्योंकि मुझे पता था कि रेत गर्म है, तो इसने खोल दिया, इस पागल ने खोल दिया जूते। दौड़ते हुए जा रहा है, तो तभी मैं खोल नहीं रहा था क्योंकि बहुत ही ज्यादा धूप लगी हुई थी, तो ये दौड़ रहा है वो। इसका पैर बहुत ही ज्यादा गर्म हो रखा है, ये पागल इंसान है ये ना। चलो अभी थोड़ा नजदीक जाते हैं। तो दोस्तों काफी हवा चल रही है, लेकिन व्यू देखकर आपको भी काफी मजा आएगा। तो अब मैं आपको व्यू रिवील करने वाला हूँ। तो ये है व्यू, ये देखो, हाँ। तो दोस्तों ये फर्स्ट वेव का फर्स्ट एक्सपीरियंस, वाओ, हाँ ऐसा एक्सपीरियंस और कहीं नहीं मिल सकता, और कहीं नहीं मिल सकता। हाँ बहुत मेहनत किया यार यहाँ तक पहुँचने के लिए, बहुत ही ज़्यादा मेहनत। समुद्र के किनारे तो बैठने का मतलब बचपन का सपना आज पूरा होता हुआ दिख रहा है, गुजरात के द्वारका में। तो
मैं शॉर्ट इंस्टा जितने भी शॉर्ट रील्स वगैरह होता है मैं इंस्टाग्राम में डालता हूँ, आप लोगों ने देखना है तो प्लीज मेरे अकाउंट में जाके आप देख सकते हो। मैं इंस्टाग्राम का लिंक डाल दूंगा तो आप नेम सर्च कर लेना, मुझे फॉलो कर लेना, बाकी थोड़ा सा रील्स भी बना लेते हैं। दोस्तों होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो अभी जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो सिर्फ देखकर छोड़ देते प्लीज जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, इस भाई का कल्याण होगा। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए, हो सके तो शेयर भी कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में जो होगा पूरा द्वारका दर्शन का। तब तक स्टे ट्यून, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।